यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी आप लोगों को मिलेगा, बिकॉज आईफोन 13 का स्टेबलाइज मतलब गोप्रो का फुटेज का लेवल का है ये वाला फुटेज। एंड ऐसे आप भाई मोटो व्लॉग कर सकते हो, कोई मतलब बोल नहीं सकता है कि ये गोप्रो का फुटेज है या फिर आईफोन का फुटेज है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड स्वागत है आपका और एक नए एपिसोड पे। तो फाइनली आज मतलब मोटो व्लॉग करेंगे। बहुत लोग सोच रहे थे कि भाई मोटो व्लॉग नहीं आ रहा है, मोटो व्लॉग नहीं आ रहा है, जो कि हमारा मेन जब चैनल खुला था तब हम लोगों ने भाई मोटो व्लॉग ही किया था। तो फिर उसके बाद मोटो व्लॉग्स पे उतना रीच मिलना पॉसिबल नहीं हो सका, तो उसकी वजह से हम लोगों ने खुद का कंटेंट जो है वो चेंज कर दिया। जैसे कि सेकेंड हैंड बाइक, सेकेंड हैंड कार, ये सब में ज़्यादा रीच आता था, तो मैंने सोचा कि ये किया जाए बिकॉज चैनल का ग्रोथ बढ़े। तो आज मतलब ऐसे ही बहुत दिनों बाद हम लोग मोटो व्लॉग करेंगे। मोटो व्लॉग नहीं, ये मतलब बहुत लोग जो जो नए नए क्रिएटर्स है मोटो व्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो थंबनेल एंड टाइटल आप लोगों ने देख लिया, आज हम लोग फ़ोन से मोटो व्लॉग करेंगे। एंड जो जो मतलब नए क्रिएटर्स है मतलब चैनल वगैरह खोलना चाहते हैं एंड वो लोग सोच रहे हैं कि भाई गोप्रो ही चाहिए मतलब मोटो व्लॉगिंग में, एंड गोप्रो के लिए भाई मतलब ज़्यादा कॉस्ट लगता है उसको परचेज़ करने में, जैसे कि 35 to 40 thousand पे आपको अभी फ़िलहाल गोप्रो देखने मिलेगा। वैसे तो मार्केट प्राइस अभी कम हो चुका है। इस व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मतलब आप आईफोन से मतलब कैसे मोटो व्लॉग कर सकते हैं, आपका वॉइस भी जो क्लियर है मतलब विंड नॉइस ना आए। तो आज वीडियो को पूरा देखना। आप भी अगर मोटो व्लॉग चैनल खोलने का सोच रहे हो, आपको गोप्रो लेने का भी ज़रूरत नहीं है, उसके साथ माइक भी लेने का ज़रूरत नहीं है एंड एडाप्टर भी लेने का ज़रूरत नहीं है, तो उसको ना करके अगर आपके पास एंड्रॉयड है या फिर आईफोन है तो आप उससे भी भाई मोटो व्लॉग कर सकते हो। तो चलते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मैं इस वीडियो में सारा आपको एसेसरीज दिखा दूंगा एंड कैसे मोटो व्लॉग करना है, कौन सा एंगल पे रहेगा वो सारा बता दूंगा। एंड्रॉयड का तो मैंने ऑलरेडी व्लॉग्स बना ही चुका हूँ, तो भाई जाके चैनल पे देख लो, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना के रखा था कि एंड्रॉयड से आप कैसे भाई कर सकते हो मोटो व्लॉग। बस अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मेरा जो पुराना मतलब मोटो व्लॉग जिसे मैं करता था वो कैमरा। तो ये है SJ Cam 4000। ये भाई मतलब पूरा ठीक ही है, मतलब इसका जितना बजट है ऑलमोस्ट मैंने उस टाइम में 6500 में लिया था जब पहला मोटो व्लॉग चैनल मैंने खोला था। ऑलमोस्ट 3 साल हो चुका है ये कैमरा का, बट अभी भी बहुत ही तगड़ा इसका रिव्यू आता है। एंड क्वालिटी भाई, क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड इसमें एक्सटर्नल माइक नहीं लगता तो उसका वॉइस का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट फुटेज अच्छा आता है एंड वाटर प्रूफ है। ये हाउसिंग केस के साथ आता है, ये आपको ठीक है। तो मैं प्रिफर करूँगा, बिगिनर हो तो आप इससे कर सकते हो, अगर चेस नहीं कर सकते तो आपके पास अभी जो एंड्रॉयड फ़ोन है आप उससे करो। एंड जिसके पास मतलब आईफोन 11 है मतलब आईफोन 11 से ही अल्ट्रा वाइड एंगल मतलब अच्छा लगता है, तो वो चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं भाई क्या क्या सेटअप है अगर आप आईफोन या फिर एंड्रॉयड से व्लॉगिंग करना चाहते हो। तो चलते हैं एंड शुरू करते हैं। मैं जी यहाँ पे चेकआउट करो, ये हेलमेट सेटअप है। मतलब हेलमेट सेटअप में आपको क्या क्या चाहिए वो बता देता हूँ। पहले तो आपको ये वाला माउंट ख़रीदना पड़ेगा, जो आपको अगर ये वाला सेट लेना है तो आप ये वाला सेट ले सकते हो, कोई भी ऑफलाइन मार्केट से आप ले सकते हो, मतलब हाँ DSLR वगैरह मिलता है आजकल, वो लोग भी ये सब सेल करना रख गए। तो आपको ये वाला माउंट चाहिए पूरा तो आप चैनल के लिंक पे जाओ, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो इसको, या फिर ऑफलाइन लेना है तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। तो ये वाला माउंट आपको कंपलसरी है, चाहिए फ़ोन के लिए। एंड फॉर सेफ्टी भाई, आप अगर आईफोन मतलब आईफोन 13 11 कुछ भी, अभी तो जो सूट हो रहा है वो आईफोन 13 से सूट हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई ये फ़ोन रिस्क पे डाला जाए, बिकॉज एक बार फ़ोन गिरा तो भाई 30 से 40 हज़ार का फटका पड़ने वाला है डिस्प्ले के ऊपर। तो इसके लिए भाई एक देसी जुगाड़ है, आप जब इस पर सेटअप करोगे तो आप ये रबर बैंड ले लेना एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, इन केस अगर गिर जाए तो ये रबर बैंड उसको हेल्प करेगा। एंड गाइस अभी फ़िलहाल सेटअप तो हो जाएगा, वीडियो वगैरह सारा हो जाएगा मोटो व्लॉग का, मेन जो है वो है ऑडियो, बिकॉज आपका अगर वॉइस अच्छा नहीं आएगा तो आप लोग ऑडियंस से कैसे कनेक्ट कर पाओगे, तो मेन जो है वो वॉइस होता है। तो वॉइस के लिए मैं प्रिफेयर करूँगा आईफोन का ओरिजिनल एयरफोन ले सकते हो आप, तो आईफोन का ओरिजिनल वाला ही लेना, बिकॉज इसका जो वॉइस क्वालिटी है वो पूरा प्योर आता है। एंड इसको अभी सेटअप करते हैं फिर दिखाते हैं एंड लास्ट में हम लोग मोटो व्लॉग करके दिखाएंगे
तो GoPro का फुटेज तो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं हो पाएगा, बट आप लोग दूसरे से कंपेयर करके देख सकते हो GoPro फुटेज और ये वाला आईफोन 13 का मोटो व्लॉग फुटेज कैसा लगेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो चलते हैं एंड सेटअप करते हैं। मैन यहाँ पे सेटअप हो चुका, माउंट लगा दिया मैंने अच्छे से एंड पूरा फिक्स कर दिया। एंड ऑडियो के लिए ये देख सकते हो एयरफोन मैंने पूरा फिक्स कर दिया एंड ये मेरे माउंट के पूरे सामने है, देख सकते हो इसका जो माइक है यहाँ पे, तो ये माइक पे वॉइस आएगा एंड रिकॉर्ड होगा। तो चलते हैं एंड पूरा सेटअप करते हैं। मैंने तो गाइस आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये सेटअप ऑलरेडी हो चुका है एंड यहाँ पे मैंने माइक वगैरह लगा दिया, देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट सारा सेटअप हो चुका है, तो चलते हैं एंड अभी ये फुटेज पे स्विच करते हैं एंड दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा फुटेज आ रहा है एंड थोड़ा व्लॉग भी करके दिखाएंगे, मोटो व्लॉग। तो आप लोग अगर टाइप का फुटेज चाहना चाहते हो तो भाई कैसा फुटेज का रिव्यू आएगा वो चलते हैं एंड दिखाते हैं आप लोगों को। तो हे गाइस देख ही सकते हो अभी फ़िलहाल हम लोग मोटो व्लॉग करेंगे एंड साउंड वगैरह कैसा आ रहा है, हेलो हेलो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड जो मैंने फुटेज लगाया है एक बार देख लो, व्यू डैशबोर्ड भी है सामने का भी है एंड ये मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल में ले रहा हूँ, तो अल्ट्रा वाइड एंगल का आपको फुटेज ऐसा आता है आईफोन 13 में। तो अभी चलते हैं एंड मोटो व्लॉग करके दिखाते हैं, बस छोटा सा एक बार रिव्यू दे देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी आप लोगों को मिलेगा बिकॉज आईफोन 13 का स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। एंड फुटेज देखो मैं, मतलब GoPro का फुटेज का लेवल का है ये वाला फुटेज। एंड मतलब आप सोच रहे हो कि GoPro से ही भाई मोटो व्लॉग किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, आप आईफोन 13 से भी ऐसा मोटो व्लॉग कर सकते हो। एंड वाइड एंगल देखो मैन, वाइड एंगल जो है वो पूरा व्यू आ रहा है विद डैशबोर्ड, मतलब डैशबोर्ड भी आना ज़रूरी है, स्पीडोमीटर वगैरह दिखना ज़रूरी है आप लोगों को, तब आप कनेक्ट कर पाते हो। एंड एक बार फुटेज देखो मैन, स्टेबलाइजेशन भी मेरे को तगड़ा लगा बिकॉज आईफोन 13 का स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। एंड ऑडियो क्वालिटी भी मस्ती लगता है, मतलब आप अगर ओरिजिनल आईफोन का हेडफोन लगा के आप माइक वगैरह की तरह यूज़ करना चाहते हो तभी आपका फुटेज जो है वो बेटर आएगा। एंड ऐसे आप भाई मोटो व्लॉग कर सकते हो, कोई मतलब बोल नहीं सकता है कि ये GoPro का फुटेज है या फिर आईफोन का फुटेज है। एंड सेम प्रोसेस आपको अगर करना है एंड्रॉयड में, मतलब जो लोग के पास आईफोन नहीं है एंड्रॉयड में करना है, तो एंड्रॉयड में अल्ट्रा वाइड एंगल आप लोग यूज़ करके वीडियो कर सकते हो एंड एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो उसमें। तो फुटेज वगैरह देखो भाई आईफोन 13 का तो आपको पता ही है कैसा आता है वीडियो क्वालिटी सुपर वाइड एंगल में, तो यहाँ पे चेकआउट करो मैन। एंड मैंने स्पेशली भाई ये बोल रहा हूँ, सबको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ भाई, मतलब थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा बिकॉज फ़ोन वगैरह है एंड जब आप मोटो व्लॉग कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 40-50 तक रखना बिकॉज उसके ऊपर जाओगे तो भाई विंड के कारण भाई आपका फ़ोन जो है वो शेक होना स्टार्ट हो सकता है। एंड मैं नहीं चाहता कि भाई किसी का फ़ोन का नुकसान हो ये व्लॉग देखने के बाद, तो मैं सबको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, आप अपने रिक्स पे ही ये मोटो व्लॉग सेटअप बनाना आईफोन का। एंड फुटेज देखो मैन, तो फुटेज कुछ इस टाइप का आने वाला है। एंड आप लोग क्या सोच रहे हो भाई कि मोटो व्लॉग हम लोग फिर से स्टार्ट करें, वैसे तो मैंने एक बार पूछा ही था, बहुत लोगों ने भाई रिप्लाई किया कि हाँ भाई मोटो व्लॉग फिर से किया करो, तो मोटो व्लॉग पे मेरा उतना रीच नहीं आता है भाई, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, इसीलिए भाई मैं मोटो व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो रीच आता है वो सेकेंड हैंड आईफोन कार बाइक्स, तो यही सब में ज़्यादा ऑडियंस है मेरा। एंड जब चैनल डिमोनेटाइज हुआ था उसके बाद मैंने सोचा कि भाई व्लॉग से अब से आएंगे ही नहीं, बट बहुत सारा प्यार दिखाया आप लोगों ने एंड बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह आया, तो मैं सोचा कि भाई एक ना एक कोई ना कोई व्लॉग डेली, मतलब नहीं ना हो सके डेली तो हफ्ता में 2-3 व्लॉग अपलोड करना ज़रूरी है। इसी के कारण भाई आप लोगों के सपोर्ट के कारण मैं ये सब व्लॉग ला रहा हूँ। तो चलते हैं एंड व्लॉग को भी एंड करना है अभी।